ठीक है चलो, अभी हम लोग करते हैं जैसे गेम का शूट किया, अभी चलो बैकग्राउंड देख लेते हैं। अभी बैकग्राउंड के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई मेरे पास एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे मैं बीजी पे काम करने वाला, तो पहले एक शॉट में रेडी करने वाला हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, गेमिंग का करना है, गेमिंग स्टॉप मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले काम बीजी एंड शॉर्ट वन, ये एक में डाल दें यहाँ पे ताकि यहाँ पे ईजी रहे। ठीक है, सब काम ऐसे करना ताकि दिक्कत ना हो। ये मैंने ओपन कर रखा तो ऐसे भी एरर आएगा क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस मैंने कॉपी किया यहाँ पे कॉपी। सबसे पहले क्या होता है, आफ्टर एक में जब आप काम करते हो तो आपका पहले साइज डिफाइन होना चाहिए। आप किस पे काम करने वाले, तो एच डी पे काम करने वाले, तो 1920x1080। मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इम्पोर्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, डन। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे करो तो भी करो, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कहीं पर भी करो, यहाँ यहाँ कहीं पर भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे शॉर्ट वन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दिस वन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे PNG सीक्वेंस यहाँ पे चेक ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं इसे चेक ऑन नहीं करूँ तो सिर्फ एक इमेज ही कॉल करने वाला था। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद ये मेरे पास बीजी है, ये इमेज सीक्वेंस है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर मैं कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम, ठीक है पहले देखते हैं हुआ क्या। अभी यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले मेरे पास काम क्या है, मेरे पास प्रोपोर्शन मैनेज करने की नीड है। ठीक है, प्रोपोर्शन, कैमरा एंगल, अभी कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, मुझे सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी काम कर रहा था, मैंने यहाँ पे चीज़ों को ऐसे कुछ मैनेज किया, देन ये पार्ट यहाँ से। ठीक है, कैमरा एंगल चाहिए, प्रोपोर्शन चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कलर मैनेज भी चाहिए। जब तक कलर मैनेज नहीं हो तब तक आपका काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पार्ट मैं प्रेस करता हूँ, सिंपल सा। ठीक है, वन के बगल में जो बटन है टिल्डर, मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी मैं पे क्या करता हूँ, कुछ चीज़ मैंने आपको पहले भी दिखाई, वो फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहले काम स्केलिंग, स्केलिंग करूँगा यहाँ पे, तो स्केलिंग मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, पोजिशन यहाँ पर मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैंने, चलो नीचे आओ, ये नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट में हम वापस अगर थोड़ा सा काम करें तो ये काम कर जाएगा भाई, यहाँ पर मैं दिखा दूँ। ठीक है, अभी इसको बेटर करने के लिए हम वापस यहाँ पे क्या चाहिए, शैडो भी चाहिए। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने किया, जैसे ये ऊपर से ऐसे कट के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ पोजिशन पे, मैंने की कर दिया मैंने यहाँ पे, इसके बाद ये मैंने यहाँ पे किया, जैसे नीचे से ऊपर आ रहा है तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से, सॉरी यहाँ पे एक्स एंड वाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ये दुकान। ठीक है, तो मैं ऐसे मैं पोजिशन दे दूँगा यहाँ पे, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, स्पेस बार, तो अभी यहाँ पे क्या लगेगा कि ऊपर से नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना यहाँ पे, तो ये चीज़ में यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, ये जब मैं यहाँ पर मोशन दे रहा हूँ तो ऐसा हम लोग मैनेज करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ पे किया, ये ऊपर कटा होने जा रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे अगर मैं देना भी चाहता हूँ तो मुझे इसको फास्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि देखो अगर मैं देखो यहाँ पे मैं बस स्लो में कर रहा हूँ, यहाँ तक ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगर मैं इसको फास्ट करूँ तो मेरे लिए ये ईजी पड़ेगा यहाँ पे। ओके, देखो ये या तो मैं इसको ऊपर करके रखूँ यहाँ पे, देखना यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, या तो ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, चलो ऐसे करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी कट रहा है, देखो ठीक है ना, हाथ कट रहा है ये। अभी या तो मैं थोड़ा सा मोशन में डाल दूँ यहाँ पे, पहले क्रॉस चेक कर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फास्ट में तो इतना ज़्यादा विजुअल नहीं होगा। ठीक है, देखो स्पेस बार प्रेस करें यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट यहाँ से, इसमें मतलब जब वो कीज देते हैं ना, कीज में हमें ग्राफ का मैनेज करना पड़ता है, क्या ग्राफ कैसे मैनेज करें, स्मूथ कैसे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, अभी यहाँ से मैंने अभी यहाँ पे इतने पे मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये मैं बस कैसे ज़्यादा, तो मैं इसको मैं ऐसे मैनेज करने वाला हूँ, या इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगा, देखो जैसे सपोज मैंने ऊपर ही कर दिया मैंने, ठीक है ये पार्ट देखो यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, और इसको एक चीज़ और मैं करूँ यहाँ पे, लो वेट, मैंने देखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सेट किया, तो अभी यहाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से ऊपर में ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे, यहाँ से ये पूरा सही दिखेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो कुछ जर्क आ रहा है, यहाँ पे जर्क आने का मतलब क्या है, क्योंकि जितने कीज दोगे उतना आपका पार्ट यहाँ पे आएगा, तो अगर मैं इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया, समझना क्या अरे, तो अगर आप एक एक फ्रेम पे, दो फ्रेम, पांच फ्रेम पे कीज दे रहे हो, ठीक है, या सेकंड में की दे रहे हो, तो की पे वो चीज़ अच्छी भी दिखनी चाहिए,
ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ईएमएस पूरा पहला बेसिक से पार्ट यहाँ पे ये आ जाए यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, अभी यहाँ से ऊपर, जब ऊपर से कुछ नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ स्मोक चाहिए, ठीक है, तो ढूंढे कुछ स्मोक। चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फुटेज ढूंढ लेते हैं। फुटेज ढूंढा हम लोगों ने यहाँ पे और हम लोगों को फुटेज यहाँ से मिला, ठीक है। तो सबसे पहले काम लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग एबीजी के ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऊपर वाले को कर लो ऑफ, यहाँ पे मेरा स्पॉट दिख रहा है, ठीक है। चाहो तो पोजीशन आप दे सकते हैं यहाँ पे, पोजीशन में अगर देखें यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे पोजीशन साइज छूट आया है ना। ट्रांसफॉर्म में गए, ठीक है, स्केलिंग लिटिल बिट कर लो यहाँ पे, और देन पोजीशन है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे देना चाहिए इधर, ठीक है दोस्त, ठीक है। अभी ये, अब जब ये ऊपर से गिरेगा, यहाँ से गिरने के बाद आना चाहिए ना यहाँ पे, है ना। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या गिर जाओ, यहाँ पे गिरने के बाद मेरे को शॉप पे यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट बेसिक से एक पार्ट हम लोग यहाँ पे उठा के काम कर सकते हैं। मेरे पार्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो कई बार कीयर करके आपको मिलेगा, ठीक है, कीइंग भी मिलेगा, बहुत सी चीज़ें दिख रहे हैं, कीइंग करके भी है यहाँ पे, की लाइट भी है, इन सबसे आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट क्लिक एंड डायरेक्ट यहाँ पे उठा के डाल दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो, शायद इससे कुछ काम हो जाए आपका यहाँ पे, तो इससे पता चल जाता है कि मुझे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना आता है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम लोग थोड़ा सा समझो कि भाई कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरे पास वीडियोज है, मैं जस्ट थोड़ा सा एक लिंक अप करके बता रहा हूँ, मैं इसे कंप्लीट नहीं कर रहा, जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कैसे क्या काम करते हैं। जो ऊपर से जब नीचे जब आएगा तो मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मेरे पास जस्ट देख रहे हैं यहाँ पे बस कैसे यहाँ पे, अभी ये मैं किसी एक के पास मैं डिफाइन करने वाला हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, पोजिशन लिया, पोजिशन को मैं यहाँ पे इधर से इधर और इधर से इधर मैंने मैनेज किया, मैंने एक किसके पास दिखाया, ठीक है। अभी इसी का मैं अगर यहाँ पे कॉपी ले लूँ यहाँ पे तो मेरे पास और चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे ये वहाँ पे अभी ये थोड़ा सा बेटर लगे यहाँ पे। देखो तो चीज़ों को कैसे बेटर दिखाने वाला हो ये आपका काम आ जाएगा। यहाँ पे साउंड आ रहा है, यहाँ साउंड का यहाँ पर ऑडियो आप ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग ये देखो ये पार्ट यहाँ पे है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे क्या किया, टी प्रेस कर दिया, ऑपेसिटी है, लेकिन टी से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे मतलब पार्ट ट्रांसफॉर्म पे गए यहाँ पे, पोजीशन को मैंने यहाँ पे ये इधर नहीं इधर से मैनेज कर देता यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो यहाँ पे देखा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लेंड और थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ काम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे करके थोड़ी सी चीज़ों को दिखा सकता हूँ। अभी बस सिंपल सा पार्ट क्या है, सब चीज़ को मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो एक रॉ मटेरियल पता चला, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपको रॉ मटेरियल में कैसे क्या काम करना है, इसके साथ इसे रिलेटेड कई चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर इसका मैं रिफ्लेक्शन बनाऊंगा, शैडो बनाऊंगा, शैडो रिफ्लेक्शन के साथ काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट लाइक दिस यहाँ पे टी प्रेस कर दिया, मैं यहाँ पे टी से मैं इसकी ऑपोजिटी पे की लगा दूँगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ से यहाँ तक में इसका मैंने नेल कर दिया, तो आगे बढ़ा देते हैं अभी इधर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए दोनों के पास, यहाँ पे सिंपल टी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रेम आपके पास यहाँ पे आएगा, क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, देन सेकेंड पार्ट आपके पास यहाँ पे आएगा, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा पकड़ो, क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर लाइट का पार्ट है, अगर मैं किसी भी सीन के साथ कंपोजिट करने वाला हूँ तो कंपोजिटिंग से पहले मेरे पास बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। यहाँ पे लाइट इसके पीछे है तो इसके पीछे से कोई लाइट का सोर्स होना चाहिए था, ठीक है, तब जाके मैं कोई काम करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शनल चीज़ें दिखनी चाहिए कि मैं यहाँ पे ऑप्शनल में चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, तब जाके मैं किसी काम को मैं फुलफिल कर पाऊँगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये ब्लेंड भी लगनी चाहिए, स्मोक बिल्कुल अलग ना लगे, ठीक है। अब जैसे स्मोक हमने यहाँ पे लिया, स्मोक मेरे पास यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैं स्मोक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कैसा जस्ट बहुत ही प्योर वाइट से जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इज इट पॉसिबल, इसको मैं थोड़ा सा मैं एक तो मैं पहले ब्लेंडिंग के साथ मैं प्ले करूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल पार्ट एक कलर होता है यहाँ पे, कलर के साथ प्ले करो, तो यहाँ पे देखो कलर में कैसे जा रहा है, या फिर कलर के बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ तो थोड़ा सा ओवर ले जैसा मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे कुछ पार्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है ओवर ले पे मैं नहीं करके, मैं थोड़ा सा और काम करता हूँ यहाँ पे, क्या कर सकते हैं ऐड पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। ऐड पे क्या है, देखो ये ऐड पे ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। एवरेज है, मल्टीप्लाई में चला ही गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला, अगर ये मैं बस ऐसे ब्लेंडिंग में काम नहीं करा तो मैं यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे
कलर इम्पैक्ट के साथ में मैनेज करने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट होता है आपके, कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ बस कलर रिएक्शन भी आएगा। कलर रिएक्शन में मैं अभी क्या मैनेज करने वाला हूँ, ओवरऑल कलर टोन कैसा, उस कलर टोन के साथ मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे आएगा। ह्यूमन सिचुएशन पे जाओ, ह्यूमन सिचुएशन मेरे पास कलर टोन किस पे काम करेगा, ठीक है ना, जो इसके साथ मुझे कलर थोड़ा सा दिखे, कि इसका थोड़ा सा रिजेंबल करे, तो मैं चीज़ों को ऐसे कुछ मैं मैनेज करूँगा। अच्छा मेरे पास ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा ब्लेंड करूँ, ये देखो कहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश है ना, वो थोड़ा सा काम करेगा आपके पास। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपके पास दिख रही है, ये पार्ट यहाँ से मैंने किया कुछ खास नहीं, यहाँ से ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कलर साथ में थोड़ा सा प्ले करूँ। मेरे पास कुछ मास्टर में दिख रहे हैं, यहाँ पे मास्टर है, मास्टर सिचुएशन सिचुएशन क्रॉस चेक करने में यहाँ पे इम्पैक्ट आ भी रहा कि नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ किया, यहाँ पे मास्टर एंड सिचुएशन के साथ कुछ प्ले किया मैंने, यहाँ पे ह्यू एंड सिचुएशन वाइट पे भी आपको देखो यहाँ पे कुछ खास इम्पैक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आपको क्रॉस चेक कर लेना आपको यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं आप यहाँ पे। अभी लगे मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिले तो मैं इसमें काम करूँगा यहाँ पे, अदरवाइज मैं देखो यहाँ पे मैं कुछ और मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मैं आपको ना यहाँ पे ब्लू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, कलराइज करो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कई बार फुल में बहुत ज़्यादा नहीं दिखता तो हाफ में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, कलर दिख रहे हैं, कलर डिफरेंसेज आपको अभी यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, अरे ये चीज़ हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे यार, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया, ठीक है, कलर सेचुरेशन देखो कलर को बढ़ा रहा है, पे आएगा भी यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश कलर यहाँ पे दिया, ठीक है। इसके बाद लाइटनेस है, लाइटनेस थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, देखो अभी आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे ऐसे कुछ यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा तो मैं यहाँ पे इम्पैक्ट देखेगा, तो बहुत वाइट भी कैसे कंट्रोल हो रहा है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला, तो मैं यहाँ पे सीन को ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई एक को मैंने ब्लू दिखाया, एक को मैंने रेड दिखा दिया यहाँ पे, तो वो चीज़ वैसे यहाँ पे मैनेज होगा। तो आप अपनी चीज़ों को कैसे और किस टाइप से मैनेज कर सकते हो, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ओके देखना अभी मैं सीन के साथ मैं थोड़ा सा ब्लेंड करने वाला हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको यहाँ पे ब्लेंड करना पड़ेगा भाई, ऐसे कुछ काम करेंगे तो बेटर दिखेगा अभी यहाँ पे। सेम चीज़ अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इज इट पॉसिबल, राइट क्लिक किया यहाँ पे, कॉपी का ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पे, देखो ये सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे ह्यू एंड की फ्रेम, यहाँ पे क्या कंट्रोल सी करके देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर मैं ऑन करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया कंट्रोल वी कर दिया, आएगा क्या आया कुछ मैनेज हुआ यहाँ पर। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अभी, यही सेम काम मुझे यहाँ पे क्या करना, अपने कैरेक्टर के साथ भी डील करना पड़ेगा यहाँ पे, कैरेक्टर मेरे पास है सीन के अकॉर्डिंग मुझे कैसे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास अच्छा कैरेक्टर इज मेरे पास यहाँ पे, तो कलर करेक्शन में इस पर काम करना पड़ेगा, तो हम लोग फिर इसका हम लोग कलर करेक्शन पर भी काम करेंगे।